हालात ये है कि कानपुर में लड्डू की दुकान है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू, और उस दुकान के नीचे लिख रखे नेट पे देख लेना, ऐसा कोई सगया नहीं जिसको हमने ठगया नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का तो ये शासन है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको इन्हें ना ठगया हो। पीछे एक आदमी कह रहा था अभी, बोला हालिया जो हमारे नारनौल के विधायक है, बोला इसने हमारा भविष्य खराब कर दिया। वो बिल्कुल सही कही उसने। तो असलियत ये है कि इनका खुद का तो भविष्य अच्छा हो गया, इन्हें हमारा इलाका बिगाड़ के धर दिया। आज पिछले 15 साल से लगातार अपने जेबे भरी तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारा जिले को 15 साल पीछे करने का काम ही नेताओं ने पिछले लगातार कर दिया। पहले 5 साल पहले भी मंत्री रहे, 10 साल से ये भी सरकार में रहे, तब ये कई कह देते बोले अब कहीं इसका भविष्य खराब है। तो मैं ये कहता हूँ उसका तो भविष्य ठीक हो गया, वो तो एक्स मिनिस्टर हो जाएगा, भविष्य तो हमारे जिले इलाके का खराब कर दिया इन लोगों ने। अब की बार फिर भविष्य सुधरेगा ना, देखो कोशिश करेंगे, अगर जनता साथ देगी, अगर हम किसी लायक अगर सेवा के बनाएगी जनता, तो जनता भी का भविष्य क्या नारनौल का भी सुधार करके दिखा देंगे कि एक नेता अगर अच्छे नेता को चुनेंगे, भरे पूरे आदमी को, साफ सभी के आदमी को चुनेंगे, क्योंकि मेरे को ना गाड़ी घोड़ा कोठी भगवान की दया से मेरे हर चीज की मौज है, एक सेवा करके दिखाऊंगा गरीब आदमी के, अमीर के, चाहे व्यापार किसी का अच्छा करना हो, चाहे इलाके की उन्नति करना हो, ये मैं मिशन लेके चला हूँ। आई कैंप की बात थी, मेरे पिताजी कहा करते भाई अगर तू समर्थ कभी हो तो जनता की सेवा करना, तो आंखों के ऑपरेशन कराना या आई कैंप लगाना, उसको मान के मैंने मेरे बाबूजी के नाम से ट्रस्ट बनाया और उसमें मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना धंधा व्यापार करके हर तरह से भगवान की मेरे हर चीज की मौज है। अब मेरी इच्छा ये है कि मैं जनसेवा करूँ। आज अगर गरीब आदमी की हकी कोई बात करती है तो आम आदमी पार्टी है, इसीलिए लोगों के प्रति आम आदमी के प्रति उत्साह है। आने वाले टाइम हरियाणा में केजरीवाल का होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी महेंद्रगढ़ जिले की राजधानी की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, नारनौल में हम हैं और यहां पे आम आदमी पार्टी एक बड़ा नाम निकल के आता है नारनौल से, रविंद्र सिंह भट्टू एडवोकेट साहब जो है उनका बड़ा नाम है। आम आदमी पार्टी नारनौल की अगर बात करते हैं, और लगातार इनका बिजली अभियान चला, गाँव गाँव गए, गाँव में जो लोग इनकी पार्टी में रुचि दिखाते हैं वो सभी आज इनके निवास स्थान पे पहुंचे हैं। और सदस्यता अभियान की बात करें तो आज बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे भी। आम आदमी पार्टी ने जो बिजली का अभियान जो चलाया था घर घर जाके, उसको लेके और अभी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उसको लेके क्या क्या रणनीति है, बहुत से लोग खड़े हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या नाम है भाई साहब? संजीव कुमार। कौन सा गाँव? नारनौल। नारनौल से ही। अच्छा, जो कार्यक्रम चल रहा है आम आदमी पार्टी का, बता रहे हैं कि भाई अभी बिजली आंदोलन किया गया, गांव गांव गए, लोगों को बताया कि दो जगह दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री मिलती है लेकिन हरियाणा में नहीं, तो लोगों का क्या विचार है? भाई हमारा तो यही विचार है कि यही आना चाहिए, यही काम होना चाहिए और यही आना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। अच्छा, मटरू जी जो है, रविंद्र जी है, वो काफी ऐसे समाज सेवा के काम करते हैं, अभी वो कैंप वगैरह लगाया, ऑपरेशन करवाते हैं आँखों के? बिल्कुल करवाते हैं, हाँ बिल्कुल 100% क्या 130% बता रहा हूँ, बिल्कुल यही काम हो रहा है। और जो भी समाज जो भी काम है छोटा मोटा बड़ा, वो बहुत प्यार से बहुत आनंद से करते हैं, आराम से करते हैं। हाँ जी, लोगों को इनकी तरफ नजर आ रहा है भी आने वाले समय। हाँ बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे आने वाले समय में भी यही आएंगे और आगे भी यही आते रहे, हम तो यही कहेंगे समाज से। हाँ बिल्कुल समाज से। नमस्कार सर, नार सिंह कहाँ से हैं? हाँ नारनौल से। अच्छा, तो किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है जैसे आज की अगर बात करें? खूब वीडियो चल रहा साहब, भीड़ अच्छी है। हाँ साहब, जब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, अभी दूसरी जगह में जाते हैं देखते हैं बीजेपी चल रही है, कांग्रेस चल रही है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी जैसे पंजाब में फिर नेशनल पार्टी बनी, लेकिन अब हरियाणा में चुनाव है, तो क्या सोचते हैं? तो नारनौल में मटरू जी का रहेगा पक्की बात। नमस्कार, शिवचरण सोनी बता रहा हूँ, तो पंजाब में और दिल्ली में आप पार्टी है, हम यहाँ हरियाणा की बारी है। अच्छा, पंजाब और दिल्ली में ऐसे बहुत से काम कर दिए, जैसे मोहल्ला क्लिनिक खोलते हैं, यहाँ यहाँ सुविधा अच्छी करती, बिजली की बिल्कुल फ्री सुविधा होगी, तो हरियाणा में इसको लेकर क्या विचार है लोगों में?
लोगों का विचार है, विचार है आपने बिजली फ्री मिलनी चाहिए। और क्या, और क्या देख पाओ? और जो जो फैसिलिटी वहाँ पर है यहाँ पे यहाँ पे काफी भीड़ है। रविंद्र जी जिन्होंने हाल ही में काफी ऐसे कार्य किए हैं जिनको लेकर सुर्खियों में, अभी दो तीन दिन पहले ही इन्होंने कैंप लगवाया था जिसमें ऑपरेशन मोतियाबिंद को लेकर काफी बातचीत हुई थी। और भी भाई साहब है, कैसे हो, क्या नाम है? मेरा है चरणजीत सिंह। नारनौल से? नारनौल से। तो आम आदमी पार्टी की क्या बातचीत चल रही है नारनौल में? नारनौल में इस बार बढ़िया चल रही है, दिल्ली जैसे काम कर रहे हैं। आज भी 400 बस एसी चला दी, वो वाली सब्सक्रिप्शन राइट वाली। क्या डिफरेंस लगता है आपको बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? इन दोनों को तो देख लिया बीजेपी और उसको देख लिया। तो अब की बार, अब की बार आम आदमी आएगी। दिल्ली जैसे बहुत बोलते थे, दिल्ली और पंजाब में कह रहे बहुत सुविधाएं दी गई, वही तो कह रहा हूँ ना। तो अब की बार हरियाणा में भी सुविधाएं मिलेंगी इस बार हरियाणा में। अच्छा, तो अभी देखे काफी भीड़ है यहाँ पे। भाई साहब क्या नाम है? जगदेव सिंह। अच्छा, ये कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में बताएं थोड़ा, इधर देखें आप भाई। ये भी तो मैंने पता होगा ना कि अभी आप आए ही हैं। आए। अच्छा, तो आप जैसे चुनाव होगा, एक साल भर चुनाव में है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है, कौन जीत सकता है, कौन विकास करवा सकता है? वो तो सभी अपनी अपनी पार्टी को जिताएंगे, सभी अपनी अपनी पार्टी। हाँ, लेकिन देखो माहौल किसका मरता है, कौन निकलता है। बाकी जैसे ये बताते हैं भाई, इन्होंने पंजाब में, दिल्ली में बहुत सी सुविधाएं दी आम आदमी पार्टी ने, उन बातों को लेकर कितना संतुष्ट है आप? हाँ, बढ़िया बढ़िया काम किया। हाँ, बढ़िया। लोगों को मुफ्त में इलाज मिल जाना, मुफ्त में जैसे काफी चीजें दी है, बिजली का बिल नहीं आता हमारे यहाँ तो काफी आता है। पहले का बिल नहीं आता, वहाँ तो जीरो आता है पंजाब में, दिल्ली में। यहाँ का क्या हाल है? यहाँ तो ज्यादा आ रहा है ना, तो गाँव गाँव में है बातचीत भी, हो सकता है आम आदमी पार्टी बन जाए। और पीछे आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में भीड़ है, आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम है और सदस्यता अभियान में काफी लोग जुड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो अभी और आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तब तक आप बने रहे इंडिया न्यूज 16 के साथ। तो अभी कार्यक्रम के आयोजक और हर दिल अजीज जो आज लोग पहुंचे हैं, रविंद्र जी पठू जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे? बहुत अच्छे हैं साहब, आप सुनाइए। लोगों की भीड़ बता रही है कि आने वाले समय में आपका नाम रहेगा। बहुत लोगों का प्यार मेरे प्रति है। मैं तो एक बात कहता हूँ, जब आम आदमी पार्टी का मैं कार्यकर्ता होके और लोग मेरे को कार्यकर्ता के नाते इतना प्यार देते, लोगों का बहुत धन्यवाद है। अभी पिछले आंदोलन चलाया गया, किस प्रकार से आप गांव गांव गए, आप लोगों ने बताया, लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा था? ये जो आज का प्रोग्राम है, ये जो गांव में हम बिजली के लिए आंदोलन के लिए गए थे, तो लोगों ने उत्साहित होकर कहा कि एक प्रोग्राम रखो, हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। उसी का नतीजा है कि आज इतनी भीड़ मेरे घर पे जमा, आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आई है। लोगों में उत्साह है कि हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन? 100% उत्साह है। अभी दिवाली में कार्यक्रम हुआ, केजरीवाल साहब आए, तो क्या कुछ उसको लेकर रणनीति अब आगे चलेगी? रणनीति उन्होंने यही कही है, हर कार्यकर्ता हर गांव में हर घर में जाके चाहे चाय पिए चाहे दूध पिए, हर घर को टच करेंगे, जिसके दिल्ली और पंजाब का जो हम सरकार चला रहे हैं उसका संदेश आपको हर घर पहुंचाना है। तो आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद हमारा यही प्रोग्राम है, हर गांव, हर द्वार, हर मोहल्ला, हर गली, हर घर के अंदर जाके आम आदमी पार्टी की नीति का प्रचार करेंगे। अगर समस्याओं की बात करें, सबसे बड़ी समस्या रहती है बच्चों की पढ़ाई की, स्वास्थ्य की, और दूसरी अगर बात करें बिजली बिल को लेकर, ये तीन चीजें जो आम आदमी पार्टी ने बड़ी दी है, हर व्यक्ति हर महिला चर्चा करती है। बिल्कुल सही बात कर रहे हो, क्योंकि गरीबी आज के जमाने में, गरीबी इतनी आम आदमी में, ना तो नौकरी है ना धंधे व्यापार है, जिसके कारण हर लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। आज दिल्ली में प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, आज गरीब आदमी की हक की कोई बात करती है तो आम आदमी पार्टी है, इसीलिए लोगों के प्रति, आम आदमी के प्रति उत्साह है। लोग जैसे बीजेपी कांग्रेस कोई कार्यक्रम करवाती है, बड़ी संख्या में गाड़ियां भेजना, मोटरसाइकिल वालों को से देना, ऐसे बिल्कुल आपने देख लिया होगा, कोई आधार आदमी अपने आप आया है, अपने साधन से आया है, सही
रिक्शा में आया हो, चाहे बस से आया हो, चाहे मोटरसाइकिल से आया हो। आपका और आम आदमी पार्टी का प्रेम है जो लोग अपने आप आए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अगर ऐसा पता कराया, लोगों ने कहा तो मैं लोगों का एहसान बंद हूँ कि मेरे एक बुलाव से आके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। अभी लोगों को आप क्या संदेश देते हैं, जैसे आने वाले समय में चुनाव है, किस प्रकार का व्यक्ति चुने, क्या सुविधाएं मिलने? देखो साफ सुथरी छवि का कैंडिडेट ये पार्टी भी प्रायोरिटी रखेगी कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य यही होता है कि वो साफ सुथरी छवि के लोगों को चुनाव के मैदान में उतारेगी, जनता से पूछ के उसके बाद टिकट देगी। ये ऐसा कंसेप्ट आम आदमी पार्टी में है जिसका नतीजा ये है कि जनता जिसको पसंद करती है लोग उसी को जिता देते हैं। अभी मैं देख रहा था जैसे आपने हाल ही में कार्यक्रम किया था मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में। हाँ, मैं वो लगातार कर रहा हूँ और 5 कैंप अब तक लगा चुका, 6ठा कैंप अब हर महीने बेलो हाउस मेरे घर पे लगेगा। लोगों के लिए समर्पित है? हाँ बिल्कुल, 100% समर्पित हूँ, क्योंकि मैं अपना धंधा व्यापार करके हर तरह से भगवान की मेरे हर चीज की मौज है। अब मेरी इच्छा ये है कि मैं जनसेवा करूँ। जनसेवा, जब गांव में आप गए तो लोगों ने ऐसा भी कहा होगा फिर बीजेपी ने ये कर दिया, शिकायतें भी आपसे की होंगी, क्योंकि जिससे उम्मीद होती है ना उससे शिकायत? ऐसा है, हालात ये है कि कानपुर में लड्डू की दुकान है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू, और उस दुकान के नीचे लिख रखे नेट पे देख लेना, ऐसा कोई सगया नहीं जिसको हमने ठगया नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का तो ये शासन है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको इन्हें ना ठगया हो। अब की बार बदलाव है, आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी, ये तय मान लेना। केजरीवाल साहब फिर दौरा करेंगे यहाँ? हाँ बिल्कुल दौरा होगा, वो पार्टी की अपने पॉलिसी है, जब भी प्रोग्राम करेंगे, जब हम हर तरह से तैयार है। जब आप लोग गांव में गए इतनी भीड़ टूट पड़ी, जब केजरीवाल साहब आ जाएंगे तो फिर तो जब भी तो कह रहे होंगे क्लियर सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, देखना आप, लोगों में उत्साह है, लोग उत्साह के साथ महंगाई भी कम करना। महंगाई भी आज अगर बात करें तो देखो आज भाई साहब जो 10-15 हजार रुपए कमाने का चाहे मजदूर है चाहे रेडी रिक्शा वाला है उसका जीवन व्यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया। नॉर्मल सब्जी का भाव 300 अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, हालत ये टमाटर की हालत ये थी, एक एक दो दो टमाटर खरीदते थे लोग, तो महंगाई की मार बहुत ज्यादा आम आदमी पे है, इसलिए लोग आम आदमी पार्टी की नीति को पसंद कर रहे हैं, केजरीवाल जी को पसंद कर रहे हैं। तो अभी आने वाले समय केजरीवाल जी का? हाँ आने वाला टाइम हरियाणा में केजरीवाल का होगा। जो लोग आए उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बस उनका धन्यवाद करूंगा, आम आदमी पार्टी का स्वागत, उनका पार्टी में उनका स्वागत करूंगा, यही कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा बेटा है, ये भी छोटा बेटा मेरा, ये भी लगे हुए हैं। ये लगे हुए हैं, पूरा परिवार लगा रखा है। पूरा परिवार लग रहा है? पूरा परिवार लग रहा है सब, मैडम अपनी जगह लग रही है, बच्चे अपने जगह लग रहे हैं, क्योंकि अब मेरा जो असलियत में जो जीवन है वो मैं चाहता हूँ नारोल की जनता के लिए लगाऊंगा, क्योंकि धंधे व्यापार करके मैं हर तरह से संतुष्ट हूँ। और जहां तक आई कैंप की बात थी, परिवार पूरा साथ है। हाँ आई कैंप की बात थी, मेरे पिताजी कहा करते भाई अगर तू समर्थ कभी हो तो जनता की सेवा करना, तो आंखों के ऑपरेशन कराना या आई कैंप लगाना, उसका मान के मैंने मेरे बाबूजी के नाम से ट्रस्ट बनाया और उसमें मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल साहब, जनता का करेंगे, अगर जनता चाहेगी जनता की सेवा करके दिखाएंगे। पीछे एक आदमी कह रहा था अभी, बोला आलिया जो हमारे नारोल के विधायक है, बोला इसने हमारा भविष्य खराब कर दिया। वो बिल्कुल सही कही उसने, तो असलियत ये है कि इनका खुद का तो भविष्य अच्छा हो गया, इन हमारा इलाका बिगाड़ के धर दिया। आज पिछले 15 साल से लगातार अपने जेब पे भरी तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारा जिले को 15 साल पीछे करने का काम ही नेताओं ने पिछले लगातार कर दिया। पहले 5 साल पहले भी मंत्री रहे, 10 साल से ये भी सरकार में रहे, तब ये कई कह देते बोले अब कहीं इसका भविष्य खराब है, तो मैं ये कहता हूँ उसका तो भविष्य ठीक हो गया, वो तो एक्स मिनिस्टर हो जाएगा, भविष्य तो हमारे जिले इलाके का खराब कर दिया इन लोगों ने। अब की बार फिर भविष्य सुधरेगा ना? देखो कोशिश करेंगे, अगर जनता साथ देगी, अगर हम किसी लायक अगर सेवा के बनाएगी जनता, तो जनता भी का भविष्य क्या नारोल का भी सुधार करके दिखा देंगे कि एक नेता अगर अच्छे नेता को चुनेंगे, भरे पूरे आदमी को, साफ छवि के आदमी को चुनेंगे, क्योंकि मेरे को ना गाड़ी घोड़ा कोठी भगवान की दया से मेरे हर चीज की मौज है, एक सेवा करके दिखाऊंगा गरीब आदमी के, अमीर के, चाहे व्यापार किसी का अच्छा करना हो, चाहे इलाके की उन्नति करना हो, ये मैं मिशन लेके चला हूं। और आज का प्रोग्राम आपने देखा होगा, एक कार्यकर्ता होने के बाद मैंने कार्यकर्ता पंचायत की, मेरे पंचायत में कोई मंच नहीं है, नेता का कोई स्टेज नहीं है, जनता के लिए कुर्सी नहीं है, क्योंकि पहले लोग कहा करते कि भाई धरती माता पे बैठ के पंचायत होया करती, जो लोग कस्मे वादे करते थे उसको निभाते थे,
तो आज वही कंसेप्ट दोबारा ले आया हूँ और जनता से भी आने वाले से भी यही कहूंगा कि अगर हमारे को भी गांव में बुलाते हो तो इसी पैटर्न पे ही काम करना, धरती से जुड़ के रहना समय में होता था वो दोबारा लेके आएंगे। बहुत बढ़िया, आपने देखा कि रविंद्र जी ने बताया, बहुत सी बातें बताई हैं आम आदमी पार्टी को लेके, लाखों के भविष्य को लेके और आने वाले समय में चुनाव को लेके। अभी अगर बात करें भीड़ की तो बहुत से लोग यहाँ पे देखो दूध पिलाया जा रहा है लोगों को, बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं जो आम आदमी पार्टी में अपनी विश्वास अपना विश्वास जताने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ बात करते हैं, राम 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 पूछो हाँ जी, कार्यक्रम कैसे चल रहा है? आप बताओ, बढ़िया चल रहा है? हाँ खूब बढ़िया। जैसे लोग गाँव गाँव गए बिजली को लेकर, आम आदमी पार्टी आई रहे, देख लो आप भीड़ लगी या फिर हाँ भीड़ लगेगी तो चलेगा। तो हरियाणा भी चाहता है कि बिजली का बिल फ्री हो। हाँ बिल फ्री हो, बिजली तो आती नहीं, बिल भेज देते हैं, बिजली आती नहीं बिल बिल भेज देते हैं। बहुत निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार। हाँ मैं जनता दल का अध्यक्ष रहा हूँ, ये खट्टर सरकार, बहुत निकम्मी सरकार है, कोई काम ही नहीं करते। बदलाव करेंगे, बाबू जी बुलाएंगे, मेरा नाम जगत सिंह यादव है, मोहल्ला नवापुर नाथ हो, बदलाव चाहिए बिल्कुल। सिर्फ में खराबा के पैसे नहीं दिए, वो इंश्योरेंस करवा रखे उसके तो दिए नहीं, इन्होंने इंश्योरेंस किसानों के इसमें है ही नहीं। मेरे सारे बदलाव बदलाव किसानों आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी किसानों के इसमें रहेगी, आम आदमी रहेगी। पीछे कार्यक्रम चल रहा है, भाई साहब कुछ बताना चाहेंगे? कैसे भाई? बढ़िया भाई साहब, पवन कुमार नसीबपुर से। हो सकता है जीत जाए, नहीं भाई साहब जीतेगी। क्या इसका कारण क्या है? कारण जी बढ़िया पार्टी है, और कारण तो क्या रहेगा जी। अच्छा ये कह रहे थे हमने कोई बिजली आंदोलन किया था, वहाँ के बिल जीरो आ रहे थे और यहाँ बिजली आती नहीं लेकिन बिल आ जाते हैं, ये तो गलत बात है ना भाई साहब जी? बिजली आती नहीं और बिल आ जाते हैं तो गलत बात है ना ये तो? बिजली आती है 8-10 घंटे और बिल, बिजली की कटौती भी ज्यादा होती है और जी अलग अलग चार्ज करके बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, लेकिन वहाँ तो बता रहे बिजली फ्री है दिल्ली और पंजाब में, तो अब इसीलिए वोट देंगे? यहाँ भी बिजली फ्री, हरियाणा में भी बिजली फ्री होगी ना, तो फिर अब की बार पक्की बात है? बिल्कुल बार पक्की बात है जी भाई साहब। रविंद्र जी है मटरू जी, इनका बिल्कुल इनके साथ है स्वभाव, बिल्कुल अच्छा है, ये सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा बन जाएगी जी, शोर बन जाएगी। दोस्तों बता रहे हैं आए, कैसे हो? बढ़िया है बाबू जी, कैसा लग रहा प्रोग्राम? फर्स्ट क्लास है बाबू जी। हाँ बिल्कुल भाई, मकड़ों के साथ है, काफी लोगों से बात की मैंने, वो कह रहे थे हो सकता है आम आदमी पार्टी जीत जाए, अब क्या जीतेगी भाई, चौराम जीतेगी, कारण ये से भाई लोग आने जाने के बढ़िया सेवा पानी कर रहे हैं, और क्या करेगा बताओ, इसका इसे मिलने सार आदमी है, कितना बातें करवाए उदास पहले करवा, कितने फिर करवाए उदास ये जो आम आदमी पार्टी की बात से बता रहे लोग, कोई बिजली फ्री कर रखी है, ये है क्या बात है? बिल्कुल हरियाणा भी अच्छी, अब की बार लग रहा है कि ये दो लोग बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है हरियाणा में, तो आपको क्या लगता है? बन सकती है जी, जरूर बनेगी। नारनौर में रविंद्र जी जो मटरू जी है, इनका जो चुनाव लड़ती है तो जनता किस प्रकार से साथ देगी? फुल साथ देगी जी, फुल साथ देगी, पूरा सपोर्ट, पूरे सपोर्ट। दोस्तों आप लोगों से हमने बात चीत की जी बाबा, एक बात और है, बाकी तो देखेगी मटर में होते हैं ऊपर, आदमी बढ़िया लगे माना, क्या काम बढ़िया बढ़िया। दोस्तों महिला
महिलाएं मात्र से यहाँ पहुंच रही है और काफी संख्या में भीड़ अब चारों तरफ ड्राइवर कैमरा दौड़ा दे कि काफी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और लोगों ने बताया है कि अब की बार मंडू में विश्वास जताएंगे जो रविंदर जी है, क्योंकि हमने और सबको देख लिया है। इधर आ जाए और बातचीत भी देखते हैं जी। भाई साहब कैसा चल रहा है कार्यक्रम? बहुत ही बढ़िया चल रही है, बहुत ही बढ़िया, अच्छी भीड़ आ गई आज। और हम आम आदमी पार्टी को हरियाणा में बनाने का पूरा सोच रहे हैं, पूरा प्रयास है, पूरा प्रयास है जी। और कह रहे हैं कि जो मंडू जी रविंद्र जी है वो तो बड़े मिलनसार व्यक्ति है, लोगों से अच्छे तरीके से मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन ऐसे और नेता नहीं। जी बिल्कुल सही बात है। पापा ने मतलब काफी आपने देख लिया है कि शॉर्ट नोटिस पे इतनी भीड़ को जमा कर लिया, काफी मदद सा। आप किनके साथ गए होंगे बिजली आंदोलन को लेके गांव में? हां जी हम बिल्कुल गए थे। काफी बात का लोगों का रुख क्या था? लोगों का जी बड़े परेशान है यहाँ की सरकार से, खट्टर सरकार से बिल्कुल परेशान है। बिल्कुल ऐसा कहते हैं कि हमारा तो 2000 का बिल आता था, अपने काम से 6000 का है, 10000 का है, मन मर्जी से बिल बना रहे हैं। तो अब हमारा एम उसका यही था, उसका लक्ष्य यही था कि इन सारे लोगों की आवाज हम बनकर आगे खट्टर सरकार के काम तक पहुंचाए। तो और उसमें काफी लोग बहुत परेशान है बिजली के बिल से, और हमारा यही रहेगा कि उसको हेल्प कराना है। देखिए मैं 3 सितंबर को भिवानी गया था, केजरीवाल सर का, केजरीवाल साहब आए थे, मान साहब आए थे, उनका मैंने भाषण सुना, बड़ा ही रोमांचक नंबर लोगों के अंदर उत्साह देखा था। उनका सबका बोलना यह था कि हम 4000 लोग 2 दिन की नोटिस पर आ गए, और वो 4000 लोग बनाए गए थे सर्कल इंचार्ज, जो कि हर 5 गांव के ऊपर बनेंगे। तो अगर आप उनकी कैलकुलेशन उठाकर देखें तो पूरे हरियाणा में हम 1 साल में ये करके दिखा सकते हैं जो आज तक हरियाणा की जनता ने सोचा नहीं है। आज और देखिए उस भाषण में केजरीवाल साहब ने ये बोला था, एक बार भी कोई भी ऐसी चीज के बारे में नहीं बोला जो की दिमागों के साथ खेल खिलवाड़ हो। उनने सिर्फ एक ही बात बोली, साफ बातें बोली, शिक्षा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो मेन 3 चीजें लोगों के लिए चाहिए होती है। हाँ जी बिल्कुल, वो की वो उनने बात करी और मेरे को उनसे काफी मतलब सीख मिली कि कोई ऐसी राजनीति भी करी जा सकती है। हाँ जी लोगों का प्यार बहुत ही बहुत प्यार रखा है, बस ये बना रहे और बढ़ता रहे हमारे तो ये। दोस्तों आम आदमी पार्टी को, रविंद्र जी को यहाँ पे लोगों से बड़ा प्यार मिल रहा है। साथियों लगातार आप कार्यक्रम ये देख रहे हैं और हमारे साथी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि नारनौल में आम आदमी पार्टी रविंद्र जी जो मटरू जी हैं उनको लेके क्या कुछ बातें चल रही हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे? बहुत बढ़िया। नाम बताएं अपना। मेरा नाम जीतू कपिल है, मैं आम आदमी पार्टी ओबीसी विंग डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ जी। यहाँ से पद पे है, पद के ऊपर। तो आप लोग गांव में गए थे बिजली आंदोलन को लेकर, तो लोगों में क्या रिस्पॉन्स था, क्या लोगों की बातचीत थी? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जिला महेंद्रगढ़ और नारनौल विधानसभा के अंदर जो बिगुल बजाया, मैं उसका पूरा श्रेय देना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रविंदर सिंह मटरू को, क्योंकि किसी भी पार्टी के अंदर जो पदाधिकारी एक अलग चीज होता है, लेकिन कार्यकर्ता अगर मजबूत ना हो तो उस जगह के ऊपर पार्टी निष्फल है। लेकिन इस बिजली आंदोलन के वक्त आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रविंद्र सिंह मट्टू जी के माध्यम से हम जैसे युवाओं को, देखो आपको पता है कि भी आज एक आर्थिक दौर के ऊपर हर वर्ग थोड़ा सा है परेशान भी है, और हम भी, हमें भी राजनीति का है कि भी हम भी लोगों की सेवा कर पाए, लेकिन हमें वो ग्राउंड नहीं मिल पाता है, सेवा का मल है लेकिन वो प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो ऐसा कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता रविंद्र सिंह मटरू जी ने युवाओं को सपोर्ट किया, ग्राउंड भी दिया, ठीक है, और ग्राउंड देने के साथ साथ हम गांव-गांव गए, हर गली गए, हर घर पहुंचे हैं, बिजली आंदोलन को लेकर पहुंचे तो लोगों का एक मन था। इसी माध्यम से एक जनसभा भी आयोजित की जाती थी, जिसके अंदर से लोगों के अंदर एक भावना थी कि भी हम पार्टी ज्वाइन करेंगे, और उन सब चीजों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रविंद्र सिंह मटरू जी ने ये पहला प्रयास है जो संपूर्ण हरियाणा के अंदर की भी एक कार्यकर्ता एक इतने बड़े हौसले के साथ एक मेंबरशिप मेला लेकर आए हैं,
और एक कार्यकर्ता पंचायत। कार्यकर्ता पंचायत का मतलब ये है कि भाई एक जो वीआईपी कल्चर है, स्टेज वगैरह आपने देखा होगा प्रोग्राम के अंदर, पुराने माहौल में जो होता था। हाँ, पुराने माहौल में की दरी के ऊपर बैठकर पंचायतें लगती थी, उसी पंचायतों को आज दोबारा से नवीनीकरण किया जा रहा है कि भाई आज वीआईपी कल्चर को बंद किया जाए, आम लोगों की तरह रहे, तो आम आदमी पार्टी तो आम लोगों की तरह रहना ही है। और देख, आपने देखा भी, वो रविंद्र सिंह मट्टू जी का रहन सहन और एक आम वर्जन से जुड़ा हुआ है, जो उनके अंदर की जो भावना है काफी एक चीज है। और हम बड़े खुश हैं कि हमारे बीच में एक ऐसे कार्यकर्ता पार्टी के अंदर है जो लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार है। बिल्कुल, हर चीज को लेकर के गाँव में हम जाते थे तो भी लोगों का एक मन आता था कि मट्टू यार हमारी आंखों से हम परेशान हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर कमजोरी होने के कारण वो अपनी आंखों का इलाज नहीं करवा पाते थे। तो उनको लेकर इन्होंने अपने बाबूजी के नाम से, जयपाल सिंह जी के नाम से, एक जयपाल सिंह ढिल्लो जनसेवा ट्रस्ट का अभी निर्माण किया और उसी के माध्यम से 5 कैंप लगवा चुके हैं और आज 450 के समथिंग इन्होंने ऑपरेशन करवा चुके हैं। और इतने ही ऑपरेशन अभी पेंडिंग है क्योंकि ग्रुप वाइज होता है कि भाई एक स्पेल में 30-40 ऑपरेशन होते हैं, तो टुकड़ों में जा रहे हैं और बन रहे हैं, तो जल्दी आपके सामने ये भी आ जाएगा कि 500,000 भी आएगा और 5 और अब अगला तक हजारों हो जाएंगे। और अगला नहीं, इन्होंने चुनाव का तो कोई मैटर ही नहीं, इन्होंने कहा कि अब मैं जब तक जीऊंगा तब तक मेरे पास मैं समृद्धि है, मेरा हौसला है, मेरा मन है, मैं तब तक ये कैंप लगवाऊंगा। और अगला कैंप अब हर महीने ढिल्लो निवास पे लगा करेगा, यहाँ पर 26 सितंबर को लगेगा यहाँ पर। आज बहुत संख्या में लोग पहुंचे, ये मट्टू जी के प्रति लोगों का प्यार है। तो जो बिल है वो चाहता है हरियाणा भी बिल आने बंद हो जाए, जीरो आए बिल। हर आदमी चाहता है कि भाई देखा जाए, क्योंकि अब हर बंदा जिन जिन के पास हम मिले हैं, क्योंकि विधानसभा में हम प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक द्वार पहुंचे हैं, तो सभी अब दिल्ली और पंजाब से अपने बिलों की तुलना करने लगे कि भी हमें भी तो सुविधा मिले, तो मन बनाकर बैठे कि भी अब 2024 के अंदर केजरीवाल जी को यहाँ से लेकर आएंगे। लोगों का प्यार बना रहेगा, संपूर्ण प्यार। बहुत बहुत आप क्या सोचते हैं नारडोल में क्या चल रहा है, क्योंकि चुनाव को लगभग एक साल है और सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी ऊपर उठने की कोशिश में है, हो सकता है क्या हो किसी को नहीं पता, सब आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आज की जो भीड़ है वो बनी हुई है मट्टू जी के घर पे लोगों की और नारनौल के लोगों की। क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।